अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जासबा मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। नाज़रीन, यहाँ पे एम्पोरियम मॉल में मैं मौजूद हूँ और आज के इस प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है कि मर्द ज़्यादा अच्छा खाना पका लेते हैं या ख्वातीन। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में रिडल्स भी होंगे और टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, तो आइए लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे सवालात करते हैं, चिट चैट करते हैं। आइए, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद। साद, क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे वैसे ही घूमने फिरने। अच्छा, शॉपिंग नहीं की? नहीं, शॉपिंग की है। अच्छा, कुछ खाया पिया यहाँ से? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा। क्योंकि अभी एंटर हुए हैं तो कुछ करेंगे। क्या ऐसा फूड है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे एप्पल और ऑरेंज। अच्छा, फ्रूट्स में ये पसंद है, खाने में क्या पसंद है? खाने में बिरयानी। बिरयानी? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं है कि जो आपको बनानी आती है बिरयानी? नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो हमें फ्रीक्वेंटली हम खाना पसंद करते हैं, वो हम सीखते नहीं हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अम्मी सब कुछ कर देती है। अम्मी भी सारा रिलाय करते हो? अगर कभी अम्मी घर ना हो तो फिर? तो फिर अबू पे। अबू पे करते हो? अबू क्या पका लेते हैं आपके? अबू चिकन कढ़ाई अच्छी बना। चिकन कढ़ाई? अच्छा, बहुत से बच्चों के वालिदैन बाप हैं जो कि चिकन कढ़ाई बहुत ही अम्मी बना लेते हैं। अच्छा, तो आपको कभी नहीं हुआ कि आपके बाबा को बनानी आती है? आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? आपको कुछ आता ही नहीं है बनाना? नहीं, मैं कुछ ना कुछ सीख ही जाऊंगा। तब तक कुछ ना कुछ तब सीख तो कुछ जाओगे। ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपके अगर आपको कुछ नहीं बनाना आएगा तो फिर इस तरह आपके बच्चे इंटरव्यू में क्या कहेंगे, हमारे बाबा को कुछ नहीं बनाना। वैसे आप समझते क्या हो कि मर्द ज्यादा अच्छा खाना बना लेती है कि खातिन? मर जो है वो कभी कभी बनाते हैं, हमारे अबू कभी कभी बनाते हैं। वैसे अगर जनरल बात की जाए, जनरल देखा जाए तो खवातीन ज्यादा अच्छा बना लेती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो छोटी उम्र से लेके अब तक बना रही होती हैं। अच्छा, इसलिए आपको लगता है? जी। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जो शेफ्स होते हैं वो तो मेल ही मोस्टली होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव शेफ्स, तो वो तो बहुत यम्मी खाना बना लेते हैं। देखने में तो यह है कि मर्द ज्यादा अच्छा बनाते हैं। नहीं, अब मैंने नोटिस ज्यादा अम्मी को किया हुआ है। अम्मी को नोटिस किया हुआ है। अच्छा, कोई ऐसे डिश जो आप रिक्वेस्ट पे बनवाते हैं मामा से? मैं बिरयानी बनवाता हूँ। बिरयानी बनवाते हैं जी। अच्छा, चलो आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है? 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है? 1 अकेला 2 11। नहीं, नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन सा लफ्ज है जिसको हम लिखते भी कुछ हैं, बोलते भी कुछ हैं? कुछ कुछ है। अच्छा, तो चलो टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। फालसे का फालसा, फासले का फास्ता। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फालसा। 5 दफा ना? 5 दफा। फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फासला। फालसे का फालसा, फासले का फासला। 5 दफा? 1 रह गया। 1 रह नहीं गया, 5 दफा आपने एक मतलब एक साथ आपने बोलना है ये। अच्छा, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारा। सारा, और आपका क्या नाम है? अरीज। अरीज, अरीज सारा, मुझे बताओ कि आप यहाँ क्या करने आए हो? बहन की बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेने आए हैं। मिला गिफ्ट? नहीं, अभी तो ढूंढ रहे हैं, अभी अभी आए हैं। अच्छा, बर्थडे आप कहाँ सेलिब्रेट करोगे? घर पे प्लान है करने का। घर पे प्लान है करने का। अच्छा, वैसे बर्थडे पे खाने का क्या अरेंज होगा, कुछ सोचा है अभी तक? मम्मा ही प्लान करेंगी, हम तो डेकोरेशंस करेंगे, हमारा तो वही बस काम है। ठीक है, आप डेकोरेशन करोगे। वैसे खाने में क्या पसंद है आपको? पास्ता वगैरह, पिज्जा। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? पिज्जा। अच्छा, आप में से कोई खाना बना लेते दोनों में से? नहीं, दोनों में से कोई भी बनाता घर में से? ड्रिंक्स? अच्छा, कौन से ऐसे ड्रिंक्स है जो कि गर्मियों में आप अक्सर बना लेते? वो तो रूह अफजाई पीती हूँ आजकल, तो मैं वही पी रही हूँ। रूह अफजा तो सभी बना लेते हैं, आप ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो बना लेती हैं खास तौर पे? आप बताओ कौन सा ड्रिंक बना लेती है जो आपको पसंद हो। कभी बना के पिलाया इसने आपको? इसने
रू अफजा ही पिलाया हुआ है और कुछ नहीं पिलाया। रू अफजा तो आपको भी पिलाना आता होगा। मगर इससे मुझे रू अफजा ही पिलाया पीती है स्पेशल। आपके हल्का अच्छा, आप ऐसा क्या खास बनाती हैं रू अफजे? मतलब मेरे ख्याल में तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है उसकी, आप बताएं आप किस तरह बनाती हैं? मैं कुछ ज़्यादा ही ठंडा पानी इस्तेमाल करती हूँ। ठंडा पानी इस्तेमाल करती हैं? अच्छा, आप मतलब ये सबको बता रही हैं कि ठंडा पानी डाल के बहुत टेस्टी बनता है जी। मुझे था कि कोई खास रेसिपी होगी जो आप बना दी अंदर थोड़ा से। उसके बाद लेमन भी डालेंगे तो बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। वैसे आप और आप कुछ बना लेते हो? नहीं, ऑमलेट भी नहीं बना सकते? चाय भी नहीं? नूडल्स बना लेती हूँ। नूडल्स बना लेती हूँ। अच्छा, आपको पास्ता बनाना आता? नहीं, अब तक मैंने ट्राई नहीं किया कभी। अच्छा, आप दोनों स्टूडेंट्स हो गए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अब कॉलेज में आई हूँ अभी अभी। और आप? एट में हूँ। अब आजकल तो छुट्टियाँ, कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही जा रहा है, स्कूल की तो याद नहीं आ रही बट बोरिंग जैसे दिन जा रहे हैं। आपके फ्रेंड्स की याद आ रही है मगर मेरे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स में से आता है किसी को खाना बनाना? आप उनके फ्रेंड्स में से? मेरी दोस्त को आता है। दोस्त को आता है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप ऐसे समझते क्या हो कि मर्द ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं कि खातिन? I definitely think फीमेल ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है बट मेल भी काफ़ी अच्छे बना सकते हैं। कोई मेल है आपकी फैमिली में ऐसे जो कि बहुत अच्छा खाना बना लेते? हाँ, हैं? हाँ, मेरे बाबा कभी कभार बना लेते हैं। सही, तो क्या बना लेते हैं बाबा? ज़्यादातर उन्हें सिर्फ तीन डिशेज ही आती हैं। कौन सी? एक तो चिकन की आती है और एक वो आलू गोश्त बना लेते हैं और एक वो दाल चावल भी आता है उन्हें बनाना। ऐसी तीनों रेसिपीज बहुत मुश्किल हैं। लिटरली मुझे भी खाना नहीं बनाना आता और मुझे लगता है बहुत मुश्किल रेसिपीज हैं जो आपके बाबा बना लेते हैं। वैसे आपके बाबा ये कौन से छुट्टी वाले दिन बनाते होंगे? आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब घरों में ही हैं, तो बनाते हैं फ्रीक्वेंटली? अभी तो नहीं बना रहे, पहले बनाते थे, अभी यूजुअली मेड होती है तो वही बना लेती है खाना। ठीक है। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें दो जमा करें, 11 में दो जमा करें तो एक बन जाता है? दोनों में से जिसको भी आंसर आया मुझे बता दो। 11 में दो जमा करें तो एक बन जाता है। 11 में दो जमा करें, सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 11 में हम दो जमा करते हैं तो एक बन जाता है? सोचो। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसको लिखते भी कुछ हैं और बोलते भी कुछ हैं? दिमाग में कुछ कुछ है और बोलते कुछ। क्यों नहीं सोच रहे आप? दिमाग ही नहीं चल रहा आपका? क्यों नहीं चल रहा? दिमाग घर छोड़ के आए हो? चलो टंग ट्विस्टर कर लेते हैं, पहले आपसे करते हैं। फालसे का फालसे का फालसा, फासले का फासला, ये आपने 5 दफा रिपीट करना है। फालसे का फालसा, इतनी आहिस्ता नहीं। फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फालसा फालसे का फालसा, फासले का फासला, स्लो नहीं, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फालसा। जबरदस्त से बात करें। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसा बहना। अच्छा, कोई हिडन टैलेंट आप दोनों में हो जो आप शेयर करना चाहती हो, या कोई सॉन्ग आप, कोई शेर, कोई सॉन्ग, कोई पोएम, कुछ ऐसी चीज़, कोई अच्छी बात आप दोनों में से कुछ, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई टैलेंट भी नहीं है आप में? टैलेंट तो वाकई कोई नहीं है हमारे अंदर। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। क्या नाम है आपका? अंसर बेटी। अंसर, क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? हम शॉपिंग करने आए थे, घर जाना था तो शॉपिंग करते। आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं हॉस्टल आई हूँ।
ठीक है, हॉस्पिटलाइज हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, ग्रेजुएशन। क्या स्टडीज करते हैं आप? डॉक्टर फिजियोथेरेपी में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। कभी तंग नहीं आते स्टडी कर करके? स्टडी कर करके तंग, अब तो अब वेले रह रहे, कभी तंग आ गए? वेले रह रहे। वैसे क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? हमारी एक्टिविटीज तो सोशल भी हों तो इसके अलावा स्टडीज और। अच्छा, वैसे आप हॉस्टलाइज हैं तो हॉस्टल में खाना आपको हॉस्टल की तरफ से मिलता है कि आप खुद बनाते हैं? खुद भी बनाते हैं, हॉस्टल की तरफ से भी। क्या क्या बना लेते हैं खुद? खुद तो बस अंडा की भुजिया बना लेते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ अंडे की भुजिया जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं? इसके अलावा कुछ। चलें फिर अंडे की भुजिया की रेसिपी बताएं जो आप बनाते हैं। वही सेम पहले आलू वगैरह। सेम क्या? पहले आलू उबालते हैं। सेम पहले क्या? हाँ जी, आलू उबालते हैं, उसके अलावा उसके अपना फिर मसाला तैयार करते हैं। सही। तो उसके अंदर अंडा डाल देते हैं, वो रेडी हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है जी। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हो कि मर्द ज्यादा अच्छा खाना पका लेते हैं कि खातीन? खवातीन ज्यादा अच्छी। खातीन जी, तो आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी अनमैरिड। अच्छा, आपकी मामा अच्छा खाना बनाती होंगी? हाँ, मामा ही अच्छी, वही अच्छा लगता है। ऐसी कौन सी डिश आपकी मामा बनाती हैं जो आपको बहुत पसंद है? वो पालक गोश्त बनाती हैं। पालक गोश्त बहुत मजे का बनाती हैं। अच्छा, कभी ऐसा खाना जो आपने रिक्वेस्ट पे बनवाया हो? वो राइस। राइस, अच्छा। वैसे जब मामा खाना बनाती हैं तो आप पूछते नहीं कि मामा मुझे भी रेसिपी बता दें, क्योंकि मैं हॉस्टलाइज हूँ तो मुझे कुछ सिखा दें खाना बनाने? नहीं, अभी इस तरह की नौबत नहीं आई, क्योंकि दोस्तों की गैदरिंग ऐसी है, कभी फील ही नहीं हुआ। अच्छा, तो दोस्त भी आपके खाना बना लेते हैं? जी, बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप भी नहीं अच्छा बनाते? नहीं, बस वही बनाते हैं दोस्त। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा करें तो 1 बन जाता है? 11 में 2 जमा करें तो 1 बन जाता है? 11 में 2, 11 में 1 जमा करें, 11 में 2 जमा करें तो 1 बन जाता है? दोस्ती है। हैं? दोस्ती है, वो एक ही लगता है जैसे हम एक है। हैं? दो दोस्ती? हाँ जी। मतलब किस तरह से? मेन दोस्ती जो दोस्त है वो फील ही नहीं कभी हुआ कि हम लोग दो हैं। अच्छा, हाँ। कैसे? ये नहीं, गलत जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताएं आपने कैसे सोचा कि दोस्ती होगा? ये दोस्ती कभी दो में फील ही नहीं हुआ कि हम दो लोग हैं। अच्छा, तो दो अलग लोग ही होते हैं? अलग होते हैं, लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ ना। आपको कभी फील नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिखी भी कुछ जाती है और बोली भी कुछ जाती है? लिखी भी कुछ जाती है, बोली कुछ। कोई इजी क्वेश्चन पूछिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने बोल 5 तो फाइनल फास को रिपीट करना है जो मैं बोलूंगी। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फासले का फासला। 5 दफा बोले ना, एक दफा पूरे सेंटेंस को आप सुन लें। फालसे का फालसा, फासले का फासला। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फासले। ट्राई करें, आपने क्वेश्चंस के भी आंसर्स नहीं दिए। ठीक है, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। एक दफा फासले, फासले का फासला, फालसे का फालसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, लोगों से चिट चैट का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मजीद लोगों के जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि खातीन ज्यादा अच्छा खाना पका लेती हैं कि मर्द। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्सा। हिफ्सा, हिफ्सा क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं अपनी खाला की तरफ आई हूँ। यहाँ खाला की तरफ? ऐसे आप कहाँ, लाहौर के रहने वाले हो? नहीं नहीं, मैं सियालकोट की। सियालकोट और लाहौर में ऐसे क्या फ़र्क है जो आप मतलब लाहौर आना पसंद करते हो? गया ना? नहीं, सियालकोट ही। सियालकोट में? सियालकोट में वैसे फूड का क्या हिसाब है, खाना वाना वहाँ का ज़्यादा अच्छा है कि लाहौर का? दोनों सेम ही है, लाहौर का भी अच्छा है, सियालकोट का भी ठीक ही है। ठीक ही है, सियालकोट का भी, लाहौर का अच्छा है। वैसे आप किसकी तरफ रहने आई हैं? खाला की तरफ। खाला अच्छा खाना बनाती हैं क्या आपकी मामा? मामा मामा ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसा क्या, ऐसी क्या डिश है मामा जो बनाती हैं आपको बहुत पसंद है? मुझे बिरयानी। बिरयानी पसंद है? अच्छा, आपको आता है कुछ बनाना?
मुझे पास्ता बना लेती हूँ। पास्ता बना लेती हैं। अच्छा वैसे कभी मामा से या मामा ने कहा हो या आपने मामा को कहा हो सीखने का शौक हुआ है खाना? हाँ मामा कहती हैं लेकिन मैं नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं है इतना। अभी क्यों इंटरेस्ट नहीं है? वैसे ही अभी। क्या लगता है आपको कब तक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका? थोड़ी देर तक। थोड़ी देर तक? कितनी देर तक? पता नहीं अब ये नहीं पता। अच्छा वैसे आप क्या समझती हो कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बना लेता है, मर्द की खातिन? खवातीन, खातीन ही। ऐसा क्यों समझती हो? क्योंकि वो हाउसवाइफ भी होती हैं ज़्यादातर। और वो जो मर्द होते हैं यानी वो जॉब भी करते हैं तो उनको इतना अच्छा नहीं आता होगा। अच्छा वैसे आपके घर में कोई ऐसा मर्द है जो खाना बनाता हो? नहीं। नहीं बनाता? नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। चाय भी नहीं बनाता? ऑमलेट? नहीं नहीं नहीं। अच्छा सब आप बताओ आपके क्या नाम है? सानिया। सानिया आप क्या करने आ रहे हैं? मेरी बहन की बर्थडे, उसके लिए गिफ्ट बाय करने आए। और ये आपकी कजन है? जी। ठीक है, पसंद है आपको आपकी कजन? जी। कितनी पसंद है? बेस्ट कजन है कि नहीं? बेस्ट कजन है कि नहीं? बेस्ट नहीं लेकिन अच्छी है। बेस्ट नहीं हो, अच्छी हो, देख लो। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपको खाना बनाना आता है? नहीं नहीं आता। शौक है खाना बनाने का? थोड़ा सा। थोड़ा सा है। अच्छा आप क्या सोचती हो, क्या समझती हो कि मर्द ज़्यादा अच्छा कुकिंग कर लेते हैं कि खातिन? आई डोंट थिंक जेंडर में डिपेंड होता है, दोनों ही अच्छे हो सकते हैं, बस सीख ले। जो सीखे वो अच्छे होते हैं। वैसे आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे कुकिंग आती हो? हाँ मम्मा बाबा दोनों को ही आती है। दोनों कर लेते हैं? बाबा भी बना लेते हैं खाना? जी। ठीक है, तो आपने कभी बाबा ने आपको कहा है कि आप सीखो अभी बनाना खाना? नहीं अभी नहीं कहा। अच्छा आप दोनों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में अगर 2 जमा किया जाए तो 1 हो जाता है? किसी को भी आंसर आ जाए बता दे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 हो जाता है? 11 में 2 क्या हो सकता है? आया माइंड में? नहीं। अच्छा चलो आप ये बताओ कि ऐसे कौन सा लफ्ज़ है जिसे लिखते भी कुछ हैं बोलते भी कुछ हैं? कुछ ही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर किया। अच्छा आपने कोई हिडन टैलेंट दोनों में? नहीं। कोई नहीं है? आपने भी कोई नहीं है? क्यों कोई नहीं है? क्यों नहीं है कोई? पता नहीं। आप बताओ आपने क्यों नहीं है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आप फिर वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश क्या करने आए हो यहाँ पर? यहाँ पर वैसे ही घूमने फिरना, शॉपिंग वगैरह करने आए। घूमने शॉपिंग? ऐसा हाँ। क्यों होता है कि लोग यहाँ घूमने फिरने शॉपिंग करने आते हैं? क्योंकि शॉपिंग मॉल है। बिल्कुल ठीक है जवाब दिया आपने। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपको खाना बनाना आता है? नहीं मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? चाय ऑमलेट कुछ भी नहीं? चाय ऑमलेट छोटी मोटी चीजें सैंडविच वगैरह इतना तो कर ही लेता हूँ। किससे सीखा आपने ये? खुद ही। खुद ही सीख आ गया? देख देख कर आ गया। किसको देख देख के आया? अम्मी को देख देख। अम्मी को देखते? अम्मी जब किचन में होती हैं तो आप भी चले जाते हो? कभी कभी होते हैं। पूछते हो मामा ये क्या बना रही है, बस देख के ही आ जाता है? नहीं बस देख कर ही है। बस देख के ही आ जाता है। अच्छा वैसे आप समझते क्या हो कि मर्द से अच्छा खाना बना लेते हैं कि खातिन? डिपेंड करता है जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो, जो ज्यादा मतलब अच्छा तरीके से बनाता हो। आपको लगता है कि दोनों ही बना सकते हैं? हां जी दोनों। ठीक है वैसे जो शेफ, कोई एक नाम अगर आपने लेना हो? नहीं मैं शेफ नहीं। एक नहीं आप लेंगे कि मर्द अच्छा बनाते हैं कि खातिन? आपकी फैमिली में कोई ऐसा मर्द है जो खाना बना लेता है? हाँ जी मेरे अबू बनाते हैं। अबू बनाते हैं? क्या बना लेते हैं? वो चिक्के बना लेते हैं, चिकन कढ़ाई वगैरह इस तरह, वो काफी अच्छी डिशेस बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर कुकिंग अम्मी करती है। कोई ऐसी चीज जो आपने बाबा से रिक्वेस्ट करके बनवाई हो कभी ऐसा हुआ? चिकन कढ़ाई, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। चिकन कढ़ाई? अच्छा अच्छा, ऐसा खाना जो बहुत बहुत जायका लगता हो आपको, आपको यार मामा आपने क्या बना लिया आज? अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं, कोई सब्जी या कुछ ऐसा बनता है? तोरियां, कद्दू, टींडे, बैंगन स्पेशल। बैंगन। अच्छा ड्रिंक्स में आपको वैसे क्या पसंद है? ये लेमोनेड वगैरह, मैंगो स्क्वाश इस तरह। वो भी नहीं बनाना आता? नहीं वो भी नहीं आता। अच्छा चलो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 11 में 2 जमा करें तो 1 बन जाता है? 11 में 2 जमा करें तो 1 बन जाता है? नहीं सोचो तो सही, कुछ दिमाग तो लड़ाया करो सब। नहीं नहीं कर देते हो बस। 11 में 2 जमा करो तो 1। हाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में
दो जमा करते हैं तो एक बन जाता है। नहीं बिल्कुल समझ नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपको अभी, क्या समझ आ रहा है, क्या फील कर रहे हो यार? बस इंटरव्यू खत्म हो गया वाला? नहीं, फिर मैं... चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक ऐसा कौन सा लफ्ज है जो लिखा भी कुछ जाता है और बोला भी कुछ ही जाता है? कुछ कुछ ही है। हाँ कुछ ही है। चलो टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। फालसे का फालसा, फासले का फासला। आपने पांच दफा रिपीट करना है और बहुत तेजी में। फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान दानिश। आपका क्या नाम है? वरीशा मुदस्सिर। वरीशा, बहुत मुश्किल नाम है, भूल जाएंगे मुझे। अच्छा फिर से रिपीट करना अपना नाम। ईमान दानिश। ईमान, ईमान क्या करने आए हो यहाँ पर? हम लोग घूमने आए हुए। घूमने आए हुए हो, कैसा लग रहा है घूम के? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। कोई शॉपिंग नहीं की? शॉपिंग की है हमने। क्या शॉपिंग की है? हमने परफ्यूम लिया। परफ्यूम्स लिए हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप खाना बना लेते हो? नो। नहीं, क्यों? हल्का फुल्का बस, नहीं ज़्यादा नहीं। घर में कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है, मामा या बाबा? मम्मा। बाबा बना लेते हैं कुछ के नहीं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्या, जैसे कि? थोड़ा बहुत क्या पकाते हैं? मतलब इतना नहीं, वो लोग वो करते हैं, बस मम्मा करती हैं। ठीक है, मामा करती हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप समझते क्या हो कि मर्द ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं कि खातिन? लेडीज़। सब मुझे यही कह रहे हैं लेडीज़, ऐसा क्यों है? लेडीज़ यही कहेंगी, लेडीज़ करती हैं। लेडीज़ ही कहेंगी, लेडीज़ करती हैं। ऐसे आपको लगता क्या है? लेडीज़ ही करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्द भी करते हैं। अगर उनके हाथ में जायका हो तो वो भी कर सकते हैं। जायका हो हाथ में तो कर सकते हैं। हाँ। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कुकिंग करता हो बहुत अच्छी? मैं करती हूँ, मैं पास्ता बनाती हूँ। आप इतनी छोटी सी है। आहा। क्या? आहा, क्या? छोटी सी नहीं है? नहीं। अच्छा क्या पास्ते की क्या रेसिपी है बताओ? पास्ते की आप पे डिपेंड करता है, आपको लाइक डिफरेंट टाइप का पास्ता बनाना है। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज्यादा मिर्ची। अच्छा। मिर्चियाँ डाल के। वैसे अगर देखा जाए तो जो शेफ्स होते हैं रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ्स ही होते हैं, वो खातीन तो नहीं होती, तो वो बहुत मज़े का यमी खाना बनाते हैं। आप क्या प्रेफर करते हो कि घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। घर का खाना? आपको लगता है आपकी मामा बहुत यमी खाना बनाते हैं? कभी दिल किया? तो दिल से बहुत यमी खाना बनाती है। दिल से? हाथ में बहुत जायका है। बहुत जायका है। अच्छा ऐसी कौन सी रेसिपी है जो बहुत पसंद है आपको मामा के हाथ में? मुझे मेरे मामा के हाथ के चावल बहुत पसंद है। चावल? बिरयानी बहुत मजे की बनती है। बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, दोनों ने ये क्वेश्चन सुनना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है? एक और एक 11 कहते हैं। एक नहीं, 11 में अगर 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है, किस चीज में है? अच्छा मुझे कोई दूसरा ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसको कुछ लिखा जाता है और बोला भी कुछ ही जाता है? कुछ कुछ। हाँ कुछ ही। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ आपके मामू के फूफी के भाई का बेटा आपका क्या लगेगा, बेटी आपकी क्या लगेगी? मामू के फूफो की, आपके मामू के, आपके मामू के फूफो की भाई का, भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? कजन नहीं, या खाला या कजन लगेगी? हाँ खाला लगेगी। खाला लगेगी या आपकी मामा लगेंगी? खाला लगेंगी। खाला लगेंगी, खाला अच्छा खाले लगेंगे। आप क्या समझते हो, खाले लगेगी कि मामा लगेंगी? मामा नहीं लगेगी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा हम टंग ट्विस्टर कर लेते हैं, आप मुझे मैं कुछ अल्फाज बोलूंगी, आपने वो रिपीट करने हैं, ठीक है? फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। ठीक है आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। नाज़रीन सवालात और जवाबात पूछने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नाज़रीन आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं, उनसे टंग ट्विस्टर्स करवाते हैं और रिडल्स भी। आइए आपको क्या लगता है मर्द से अच्छा खाना बना लेते हैं कि खातिन? हमारे कल्चर में तो वैसे खातिन है, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अगर आपके घर की खातून कहीं चली जाए तो आप क्या करते हैं? बस ऑर्डर कर लेते हैं जो घर में पड़ी चीजें हैं, पहले तो उन पे रिलाई करते हैं। फ्रिज में कुछ ना कुछ पड़ा होता है, कुछ ना कुछ, जैसे की क्या पड़ा होता है, सालन वगैरह बड़े होते हैं या कुछ भी सैलड वगैरह या कुछ भी, उन पे रिलाई करते हैं फ्रूट्स वगैरह। या ऐसा होता है कि कोई खातून घर से बाहर जाने लगती है, उन्हें कहते हैं कि खाना बना के लाना, कुछ बना के लाना। ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं सब? क्योंकि हम बचपन से उनके हाथों से खाते आ रहे हैं, खाने वाले आप सब से हमारे कल्चर ही ऐसा है, इसलिए ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ तो वहाँ मैंने सब कुछ अपना किया है, मील्स वगैरह मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आपको कुछ पकाना नहीं आता? नहीं, मैं ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी डाइट थोड़ी इस तरह की है कि मैं सैलड वगैरह और ग्रिल उधर चीजें मिल जाती थी तो वो रेडी टू होती थी, बस ओवन में उनको करो और खा लो उस तरह। अच्छा, ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बहुत पसंद है खाने में? खाने में मेरा वैसे फेवरेट फूड पिज्जा। पिज्जा? अच्छा, कोई पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिश ऐसी जो आपको पसंद है? बिरयानी। बिरयानी तो आपने कभी रिक्वेस्ट पे बनवाई है मामा से? बहुत दफा। ऐसा क्यों नहीं करते कि यार मैं खुद ही सीख लेता हूँ? हाँ आता ख्याल, बट अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि उधर टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा आपसे एक सवाल कर लेते हैं, आप मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में हम 2 जमा करते हैं तो वो 1 हो जाता है? 11 में 2 जमा करते हैं तो 1 हो जाता है। चलो आप सोचो, दिमाग लड़ाओ। देखो लोग सोचते कुछ 11 में 2 जमा करें तो 1 हो जाता है। हाँ 1 हो जाता है यार, 11 में 2 जमा करो तो 1 हो जाता है। नहीं, मेरे दिन में अभी नहीं कुछ आ रहा ऐसा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके मामू की पुप्पी के भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? ये जो है ना बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे जो है अक्सर मेरे इन लॉज जो है ना, मुझे उनके रिश्तों का भी पता नहीं होता। तो ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन। ये तो गलत बात है, नहीं आपको सोचना तो पड़ेगा। देखिए आपके मामू की भाई के बहनोई का की बेटी आपकी क्या लगेगी? मेरे मामू के बहनोई की? आपके मामू के फूफी की भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? मेरे मामू की फूफी की भाई की बेटी? हाँ। मेरे मामू के फूफो की भाई की बेटी। सोचें, आपने पहला भी बहुत गलत जवाब दिया और अब आपने जवाब ही नहीं दिया। पहला तो मैंने जवाब दिया नहीं वैसे आपको, पर नहीं आपने गलत जवाब दिया, मुझे इसका जवाब दें, कुछ सोचें। मामू के फूफो की भाई की बेटी। चलिए टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। आपने इन अल्फाज को 5 दफा रिपीट करना है। फालसे का फालसा, फासले का फासला, 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 फालसे का फालसा, फासले का फासला। चार दफा फालसे का फालसा, फासले का फासला। गलत किया है, दोबारा से 5। फालसे का फालसा, फासले का फासला, 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 फालसे का फालसा, फासले का फासला। ठीक है, बहुत शुक्रिया से बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोइन रियाज। मोइन रियाज, आपका क्या नाम है? राइन। राइन, अच्छा सर क्या करने आए आप यहाँ पर? हम ग्रोसरी करने आए हैं। ग्रोसरी करने आए हैं, अच्छा आप खाना बना लेते हैं? खाना अंडा उबाल लेता हूँ मैं। अंडा उबाल लेते हैं? सभी मर्द सिर्फ अंडा उबाल लेते हैं, ऐसा क्यों है? अंडा पका लेते हैं, अंडा उबाल लेते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आप कोई दूसरी डिश सीखते,
ऐसा क्यों है? माशाल्लाह मैरिड हूँ तो मिसेज हैं वो करती हैं सारा। मैरिड से पहले क्या करते थे? वालदा। वालिदा करती थी। तो अगर आपकी मिसेज कभी कहीं गई हो तो बच्चों को भूख लगी हो क्या करते हैं? नहीं, जब मिसेज जाती हैं तो फिर बच्चों को साथ ही लेके जाती हैं। बच्चों को साथ ही लेके जाती है। कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे घर में रहते हैं तो मार्केट से सब कुछ मिल जाता है, मार्केट से ऑर्डर करते हैं। कभी नहीं प्रेफर किया कि चलो यार मैं खुद सीख लेता हूँ कुछ? नहीं है सर, कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, वैसे आप समझती क्या है कि मर्द से अच्छा खाना बना लेते हैं ख्वातीन? वैसे प्रोफेशनली तो कहते हैं कुक जो है ना जेंट्स, वो अच्छा खाना बनाते हैं तो, लेकिन कुछ जायका भी होता है हाथ में, लेडीज के हाथ में भी जायका होता है, वो भी कर सकती हैं। अच्छा, आपकी खातून जो घर की हैं वो सबसे यमी खाना जो आप रिक्वेस्ट पे बनवाते हो ऐसा कौन सा है? चिकन बिरयानी। चिकन और बदतरीन खाना जो आपके घर में बनता हो, आपने यार क्या बना लिया आज? आलू गोभी। आलू गोभी, अच्छा अच्छा। चलो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है? 11 में 2 जमा किया जाए तो 1 बन जाता है? किसी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई आसान पूछे ना। आसान, चलो आपसे बहुत आसान सवाल पूछ लेते हैं। आपके मामू के फुफी की भाई के बेटी आपके क्या लगी है? मामू की फुफो। आपके मामू के फुफी की के भाई का की बेटी आपकी क्या लगेगी? एक मिनट, मामू की फुफो की बेटी, मामू की फुफो की बेटी। आपके कितनी दफा मैं रिपीट करूंगी क्वेश्चन? मामू की फुफो और उनकी, चलिए टंग ट्विस्टर कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने ना इन फ्राज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। फालसे का फासला, फासले का फासला, 5 दफ़ा आपने बोलना है और स्पीड में। फालसे का फासला। सर आप तो बहुत ठीक से आपने परफॉर्म किया। अच्छा बच्चे आप बताओ आप क्या करने आए यहाँ पर? ग्रोसरी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मामा अच्छा खाना बनाती हैं कि पापा? मामा। अगर आप कभी पापा को कहो कि पापा खाना बना दें तो पापा क्या कहते हैं? पापा को खाना नहीं बनाना। आपको अफसोस है इस बात का? नहीं अफसोस, मामा खिला देती हैं। अच्छा कोई पोइम आती है आपको? जो भी पापा से टंग ट्विस्टर किया है वो आप कर लोगे? फालसे का फालसा, फासले का फासला, 5 दफ़ा बोलना है आपने, नहीं बोलोगे? चलो ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? फाइक। फाइक, आपका क्या नाम है? सैफ अली। सैफ, सैफ क्या करने आए यहाँ पर? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। अच्छा आपको खाना बनाना आता है? नहीं खाना बनाना नहीं आता। क्यों नहीं आता खाना बनाना? दिल ही नहीं करता, चाय बनानी आती है। सिर्फ चाय बनानी आती है? सिर्फ मामा पे ही रिलाई करते हो? नहीं, छोटी बहन भी बनाती है। छोटी बहन भी बनाती है। अच्छा तो पापा खाना बना देते हैं कुछ? नहीं, पापा जॉब करते हैं। अच्छा अगर आपके बच्चों ने कुछ खाना हो कभी? मेरे अभी शादी नहीं हुई। कभी जब होगी तो बच्चों को कैसे खिलाओगे? बीवी आ जाएगी। ऐसा होता कि बीवी आ जाएगी, मामा है, बीवी है, खुद क्यों नहीं सीखते भाई? खुद सीखेंगे जब मौका मिलेगा। कब मिलेगा? बीवी से सीखेंगे जब शादी हो जाएगी। बीवी से खाना बनाना सीखो, मामा से सीख ले। मामा अभी नहीं सिखाती ना। मामा सिखाती नहीं है। चले अच्छा आप ये बताएं कि मर्द से अच्छा खाना बना लेते हैं कि खातिन? आपके खातिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सब रिलाई उन पे करते हो तो उन्हें सीखना पड़ेगा ना, है ना? ऐसी बात है ऐसी। अच्छा चले आपसे क्वेश्चन कर लेता, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में हम 2 जमा करते हैं तो 1 बन जाता है? 11 में 2 जमा करके 1 बन जाता है? ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है? मेरी वैसे भी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पाकिस्तान की आवाम सोचती कुछ नहीं है। आप सोचें 11 में अगर हम 2 जमा करें तो 1 बन जाए। चलो आप मुझे इससे भी आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपके मामू की फूफी के भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? मेरी बहन। आपकी बहन? नहीं, दोबारा पूछिएगा। मामू की? बिल्कुल गलत जवाब। आपके मामू की फूफी के भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी? मेरी फूफो ही लगेगी। नहीं, फूफो तो नहीं लगेगी, फिर आंटी लग जाएंगी। आंटी, हाँ आंटी लगेगी। गेस किया कि सोचा है? सोचा आपने।
अच्छा बच्चे आप बताओ आप क्या करने आए यहाँ पे? मैं वो मामा पापा शॉपिंग करने आए थे तो इसलिए साथ शॉपिंग की। नहीं अच्छा आप टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, आपने बोलना है फालसे का फालसा फासले का फासला, पांच दफा आपने बोलना है फालसे का फालसा फासले का फासला, 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 फालसे का फालसा फासले का फासला। अच्छा आप भी करें टंग ट्विस्टर, दोबारा बोलिएगा। फालसे का फालसा फासले का फासला, फालसे का फालसा फालसे का फासला, यही है पांच दफा बोलना है ये। फालसे का फालसा फासले का फासला, फालसे का फासला फासले का फासला, फालसे का फासला फासले का फासला। अच्छा बच्चे आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहोगे या कोई अच्छा मैसेज? मैसेज मैं यही दूंगा कि आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखें वरना आपको होने के चांसेस हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन आपने इनका मैसेज सुना, इस पर अमल कीजिएगा। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। तो आज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि आपके मामू की फूफी के भाई की बेटी आपकी क्या लगी, तो आंसर इसका ये है कि वो आपकी अम्मी या खाला लगी। दूसरा क्वेश्चन आपका हमारा ये था कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो बोला भी कुछ चाहता है और लिखा भी कुछ चाहता है, तो वो कुछ ही था। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें 11 में अगर हम 2 जमा करते हैं तो 1 हो जाती है। किसी ने भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, उसके इसका जवाब ये है घड़ी। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।